दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस घंटी को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कॉइन मिल में। अगर आपके पास भी है 50 रुपए का ऐसा नोट तो आप बन सकते हैं मालामाल। भारत में शौकीनों की कमी नहीं है। पुरानी चीजों को अपने पास रखने वाले हर कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, चाहे वो 50 रुपए या 100 रुपए के नोट ही क्यों न हो। पुराने बहुत कम मिलने वाले नोटों की बाजार में बहुत मांग है। पुराने और दुर्लभ नोटों के लिए लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस घंटी को भी दबा दें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। 50 रुपए का एक नोट आपको मालामाल बना सकता है। नए करारे नोट सबको लुभाते हैं, जिन्हें पुराने तारीखी नोटों को इकट्ठा करने का जुनून होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने और दुर्लभ नोटों को खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर आपके पास भी डिफरेंट दिखने वाला नोट हो तो वो लाखों करोड़ों में बिक सकता है। ई कॉमर्स साइट ईबे पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर 1 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की नोटों की करोड़ों में नीलामी की जा रही है। आंध्र प्रदेश राज्य में सिक्के की दुकान लगाने वाले व्यापारी के पास इसी तरह के कुछ नोट संग्रहित किए हैं, जिनमें से 50 रुपये, 20 रुपये का पुराना नोट उन्होंने 3 लाख रुपये में बेचा है। यदि आपके पास भी इस तरह के नोट हैं तो उन्हें आप भी ऑनलाइन शॉप पर बेच सकते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 50 रुपये का पहला नोट चलन में आया। 27 अगस्त 1919 में 50 रुपए के नोट में भारतीय बाजारों में उपलब्ध हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 50 रुपए का पहला नोट चलन में आया। 27 अगस्त 1919 में 50 रुपए के नोट भारतीय बाजारों में उपलब्ध हुए। ब्रिटिश शासनकाल होने के वजह से उस वक्त अंग्रेजी भाषा के साथ नोट पर भारत की 8 भाषाओं में 50 रुपए लिखा हुआ था। नोट सफेद रंग का था। उसके बाद सन 1930 में 50 रुपए के नोट में परिवर्तन हुआ। उस नोट के दाहिने ओर किंग जॉर्ज पंचम का चित्र हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त नए नोटों की छपाई मद्रास शहर में हुआ करती थी। 20 साल बाद बदले जाएंगे 50 रुपए के नोट। 1983 में भारत में 50 रुपए का नया नोट आया, जिसमें आगे की ओर अशोक चक्र जबकि पीछे की ओर संसद भवन की तस्वीर थी। लगभग 16 साल बाद 1996 में 50 रुपए का नया नोट आया, जिसमें आगे की ओर गांधी जी की तस्वीर है जबकि पीछे की ओर पहले की नोट की तरह संसद भवन की तस्वीर लगी है। यह नोट आज भी चलन में है, हालांकि समय दर समय इस नोट में छोटे छोटे परिवर्तन किए जाते रहे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।